ना अब तक किसी ने आपको बोला, ना कभी किसी ने टोका, इसलिए अब हम बताने चले हैं आपको निबंध लिखने का सबसे आसान तरीका। तो वेलकम टू स्वयं क्लासेज मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सभी को YouTube के नंबर वन चैनल स्वयं क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपका बोर्ड एग्जाम अब करीब आने वाला है और इसके बावजूद आप सोच रहे हो कि कैसे निबंध हम तैयार करें, और आपके मन में हजारों सवाल उठ रहे हैं कि इतना 12 नंबर का आने वाला ये निबंध किस तरीके से हम लिखेंगे, आपकी इस डर को आज खत्म हम कर देंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि निबंध लिखने का आसान तरीका क्या होना चाहिए, उसकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकती है, कैसे तैयारी करनी है हमको, इन सब चीजों को हम बताएंगे। तो आपसे उम्मीद हम यही करेंगे कि आप इसके लिए क्या करेंगे, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखेंगे, यानी वीडियो के साथ आपको बने रहना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि देखिए टॉपिक क्या आ सकती है, क्योंकि मिलने वाले हैं आपको फुल मार्क्स, पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे आपको अगर आपने ये तरीका अपनाया। तो क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले देखिएगा होता क्या है, इससे कैसे आते हैं। आपके एक साल में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें गवर्नमेंट द्वारा की गई होती हैं, या तो आपके देश में कोई ऐसी घटना घटित हुई होती है। और एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट, जितने भी छात्र नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए अनअकैडमी लेकर आए क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री में, जो आपको 3 मंथ में कंप्लीट रिवीजन आपके सभी विषय में कराएंगे। आपको सबसे बेस्ट बैच पहल बैच 2.0 जो स्टार्ट हो रहा है 28 दिसंबर में, जिसमें आपको डॉक्टर एस के सिंह, पंकज तलवार सिंह, आशीष सर, प्रदीप सर और सौरभ शर्मा पढ़ाएंगे, जो इंडिया के बेस्ट कोचिंग पढ़ा चुके हैं। इनको यहाँ पर आप देख सकते हो 23+ ईयर का एक्सपीरियंस है, साथ में इंडिया के टॉप रैंक प्रोड्यूस कर चुके हैं। साथ में एक बैच आपके लिए और है, सुपर रैंकर बैच फॉर नीट 2021, जिसमें आपको रितु मैम पढ़ाएंगे जो अनअकैडमी की टॉप एजुकेटर है बायोलॉजी की, और ये बैच स्टार्ट हो रहा है 31 दिसंबर का। साथ में उम्मीद बैच भी आपके लिए जो 3 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर डॉक्टर आनंद मानी सर पढ़ाएंगे, जो बायोलॉजी के बेस्ट रैंक प्रोड्यूस कर चुके हैं, साथ में दीपक सर, अमन सर, विक्रांत सर और महेंद्र। और सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस बैच का है कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप किसी भी बैच में इनरोल कर सकते हैं। इसके लिए आपको 1 रुपीज फीस पे नहीं करना, बस वहाँ पर आपको कोड डालना है, कोड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है shubham@12। जैसे ही आप डालोगे सारे बैचेस आपके बिल्कुल फ्री में ओपन हो जाएंगे और आप बिल्कुल फ्री में तैयारी कर सकते हो, ठीक है। या तो जो इससे पूरे वर्ल्ड पे कोई प्रभाव पड़ा हो, या कोई ऐसी चीज जिससे आपका देश और आप हमेशा परेशान हो रहे हो, ऐसी टॉपिक आपको जरूर देखने को मिलती है। एक नहीं, दो दो तीन तीन टॉपिक्स आ जाती है कभी कभी। तो बाकी तो आपके लिए जनरल चीजें हैं ही, क्योंकि किसी विजिट बुक के बारे में पूछ देगा, किसी फेवरेट बुक के बारे में लिखने को पूछ देगा, फेस्टिवल के बारे में पूछ देगा, तो अनेकों टॉपिक्स आपके दिमाग में आती हैं। और लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमको क्या ध्यान में रखना होता है कि आज के समय में क्या इंपॉर्टेंट किया हुआ है हमारे लिए। तो सबसे इसी इंपॉर्टेंट के बारे में हम बात करते हैं, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या बनने वाली है। पहली टॉपिक है, मैंने लिखा हुआ है यहां पर, न्यू नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, अर्थात कि नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति, आप जैसा कि जानते हो कि शिक्षा में बदलाव के लिए एक नई शिक्षा नीति अभी जल्द ही कुछ महीने पहले लागू की गई है, और इस नई शिक्षा नीति को कैसे प्रभावी होगी, कैसे लोगों के का एजुकेशन और डेवलप करेगा, क्या चीजें होंगी उनके विषय में। तो आप ये एक नीति में बदलाव हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट बनेगा। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है आपकी सबसे ज्यादा प्रभावी होने वाली है। तो अब बात कर ले दूसरा, COVID-19। क्यों मैंने, आप देख रहे हो कि नई शिक्षा नीति यानी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में बात करते हैं, तो आप क्या है COVID-19 यानी इसमें, और इसमें मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारी पॉलिसी में हुआ चेंज है, हमारे शिक्षा में हुआ चेंजिंग, और ये इससे हम परेशान है, इससे पूरा वर्ल्ड परेशान है। तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन दोनों टॉपिकों को बहुत अच्छे से तैयार करोगे। अभी मैं बताता हूं इनमें से किसी एक टॉपिक को लिखना कैसे है, आप ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहिएगा। अब
अगली टॉपिक हो सकती है आपकी, वो है अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी के कारण क्या चीजें घटित हो रही हैं, उसकी क्या समस्या है, उसका निवारण क्या है, कैसे आगे चलकर क्या चीजें करनी होगी जिससे देश का युवा बेरोजगार ना हो, ये ऐसी टॉपिक। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने चौथी लिखी हुआ है, इंपॉर्टेंस ऑफ गर्ल एजुकेशन यानी कि नारी शिक्षा का महत्व क्या है, नारियों की शिक्षा कैसे डेवलप होगी, इस बारे में आपको जानकारी लेनी होगी। अगली टॉपिक आपकी बनती है इन्वायरमेंट सेफ्टी, पर्यावरण सुरक्षा। तो पर्यावरण के बारे में आपने अब तक बहुत बार टॉपिक लिखते आए हो, लेकिन हर बार कुछ नई चीजें उसमें लिखने की कोशिश करो कि किस तरीके से आपकी थिंकिंग क्या बनती है। तो चलिए हम ऐसे ही बात करते हैं, किसी टॉपिक को लिखने से पहले हमें क्या चीजें ध्यान देनी होती है, देखिएगा। तो सबसे पहले जो टॉपिक आपको लिखनी है उसको चूज कर लीजिए। मान लीजिए आपको लिखना है COVID-19 के बारे में, ठीक है, क्योंकि इस समय हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ इसके बारे में जानता है, सटीक जानकारी जिसके बारे में आपको पूरी सही सही जानकारी हो उसी विषय पर आपको इससे लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो टॉपिक यानी COVID-19 उसका बोल्ड टाइटल यानी उसको पूरी जब लिखना शुरू करेंगे बीच में उसको मोटे हेडिंग में खूब अच्छे से आकर्षक अट्रैक्टिव दिखे कि पहले लगे कि वास्तव में आप कुछ लिखने जा रहे हो, तो लिखोगे खूब सुंदर और खूब बोल्ड राइटिंग में क्या COVID-19 है, उसके नीचे अंडरलाइन भी कर दोगे ब्लैक पेन से। अब उसके बाद हम जब पढ़ चलेंगे तो फिर क्या होना चाहिए, उसके नीचे जितनी हेडिंग सब हेडिंग का आकर्षक होना, जितने नहीं जो जो हेडिंग आप बनाते हो, टाइटल एक मेन हेडिंग हो गई, उसके बाद चाहे आप इंट्रोडक्शन लेते हो चाहे आप कंक्लूजन लास्ट में लेते हो, ये तो और उसके बीच में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेते हो सभी चीजों के बारे में आपकी सबसे सटीक जानकारी हो, हर एक टॉपिक पे एक एक हेडिंग बनाते आप चलोगे और वो कितनी ऐसी आकर्षक आप हेडिंग बनाइए कि आपका एग्जामिनर क्या करे, आपके बीच का कंटेंट पढ़ने से पहले आपकी हेडिंग से इतना इंप्रेसिव हो जाए कि उसको पढ़े ही ना और आपको फुल मार्क्स दे दे, ऐसा आपके अंदर होना चाहिए क्षमता, ऐसी हेडिंग आपके अंदर सोचनी चाहिए। आप हर एक टॉपिक पे पहले हेडिंग तैयार करो, पहले सब हेडिंग इंपॉर्टेंट होनी चाहिए आपके मन में और बहुत ही अट्रैक्टिव होनी चाहिए। अब अगला है कि इंट्रोडक्शन में विषय की जानकारी। जब आप पहले हेडिंग शुरू करेंगे किसी भी एसे की तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में सबसे पहले क्या करते हैं कि जिस विषय पर लिखते हैं उसमें यह प्रश्न उठाते हैं कि यह क्या है, यानी हम अगर लिखने जा रहे हैं नई शिक्षा नीति तो प्रश्न उठाएंगे नई शिक्षा नीति है क्या, ये क्या है, उसके बारे में COVID-19 पर लिखेंगे तो पहले उसका परिचय देंगे आखिर COVID-19 है क्या। अगर अनएम्प्लॉयमेंट पे यानी बेरोजगारी पे तो यहां पे भी प्रश्न करेंगे बेरोजगारी है क्या। नारी शिक्षा का महत्व तो नारी शिक्षा में महत्व क्या होना चाहिए। अब पर्यावरण सुरक्षा तो पर्यावरण क्या है और ये कैसे ये पर्यावरण पॉल्यूटेड हो रहा है, इनके बारे में ये आपकी प्रस्तावना बनती है। बच्चों आपने समझ लिया कि इंट्रोडक्शन कैसे देना है, सबसे पहले आपकी शुरुआत होनी चाहिए किस तरीके से इंट्रोडक्शन में कि ये क्या है, तब जाके आपका आकर्षकता जो होगा उसमें। और सुनिए ये नहीं कि आपके जानकारी हो गई ये क्या है मैंने लिख दिया ऐसे जैसे मन करे तैसे, ये भी नहीं करना है आपको, ये ध्यान देना होगा। ये फोर्थ पॉइंट मैंने लिखा है कि जिस टॉपिक पर अधिक जानकारी हो वही लिखेंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट सोचिए और क्रम से लिखिए। सोचिए कि जिस कोरोना वायरस क्या है, तो आप सभी जानते हो कि कोरोना वायरस क्या है, कोरोना वायरस चीन के शहर वुहान से निकला हुआ एक ऐसा वायरस है जो इसके पहले भी COV यानी कुछ साल पहले ऐसा ही इसी के जात का एक निकला था वायरस जिसका नाम था SARS। बहुत लोगों ने उसको जानलेवा समझा लेकिन उसका भी उपाय निकला, लेकिन आज इस अभी तक COVID-19 का कोई इलाज नहीं आ पाया है, कोई टीका नहीं आ पाया, इसलिए हम लोग परेशान हैं आज। और अगला कि क्या होना चाहिए कि भाषा इजी और अट्रैक्टिव हो,
भाषा, आप जो लैंग्वेज लिख रहे हो, जो आप ट्रांसलेशन सोच रहे हो, जो पॉइंट्स मन में बैठा रहे हो, उसको ऐसा लिखिए कि उसमें ज्यादा से ज्यादा इजी वर्ड का प्रयोग आपका हो। आप उसमें टफ वर्ड यानी बहुत ही अलग लिखने की कोशिश में आप खुद अलग थलग पड़ जाओगे, तो जितना ही आसान लैंग्वेज आपकी होगी, चेक करने वाला समझने वाला भी बहुत आसानी समझेगा और आपको फुल मार्क्स जरूर देने की कोशिश करेगा। और उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद आपकी जो हैंड राइटिंग हो वो बहुत ही फेयर यानी सुंदर हो। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही रखता है कि अगर हम कितना कंटेंट हमारा अगर खराब भी हो रहा है, लेकिन अगर हैंड राइटिंग यदि बहुत ही आकर्षक और सुंदर लिख गई, तो अगर हमारा कहीं गलती भी होता रहता है तो वहां पर भी वो नजरअंदाज कर दिया जाता है, उसे इग्नोर कर दिया जाता है और हमें पूरे नंबर मिलने की संभावनाएं बन जाती हैं। ये आपके मेन, मैंने कहा कि आप अपने थिंकिंग जो भी है उसमें सोचिए कि ये क्या है, उसके बारे में आप आइए। अब उसके बाद करना क्या है आपको कि मुहावरों का प्रयोग करें तथा इंपॉर्टेंट लाइन को बोल्ड या ब्लैक पेन से लिखें। यानी कि आपको जितने आप एडम्स और फ्रेज पढ़ते हो, एक ऐसा सेंटेंस बनाइए जिसमें वो एकाध मुहावरे का यूज हो जाए, और जहां मुहावरा यूज करते हो वहां अंडरलाइन करिए, इसको बोल्ड लिखिए, या कोई भी ऐसी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट रखती है उस लाइन में वहां पे आप, जैसे कि COVID-19 क्या है जो है चीन, दिसंबर में चीन के वुहान शहर से निकला था, तो वुहान शब्द को क्या करिए, बोल्ड करिए, उसको अंडरलाइन करिए, ताकि लोग समझे कि हम मेन यहां से है, कुछ उसके बारे में पता चलना चाहिए, ये बात आपको याद होना चाहिए। अब आगे बात कर लेते हैं कंक्लूजन का अट्रैक्टिव होना, यानी जब आप उपसंहार की तरफ पढ़ते हो, लास्ट पॉइंट आप सभी जानते हो कि अगर आपका आगाज अच्छा है तो आपका अंजाम भी बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर इस तरीके से आप चलते हो तो यकीन मानिए कि आपका एसे बहुत ही अट्रैक्टिव होगा, बहुत फुल मार्क्स आपको तो जरूर मिलेगा। तो कंक्लूजन में क्या करना होता है, जिस विषय पर हमने वो एसे तैयार किया है उस विषय के साथ हमें ऐसी गंभीर जानकारी देने की आगे फ्यूचर में अब हम क्या कर सकते हैं, इससे निपटने के लिए हमारे पास क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं, चाहे वो नई शिक्षा नीति हो, चाहे वो आपका COVID-19 हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे नारी शिक्षा हो, चाहे पर्यावरण सुरक्षा हो, क्या कर सकते हैं, पहले में इंट्रोडक्शन में क्या है, कंक्लूजन में अब क्या कर सकते हैं, यानी अब हमारा दायित्व तो क्या बनता है निर्वहन करने का, ये होना चाहिए इंपॉर्टेंट। तो इस बात को आप अच्छे से समझेंगे, मैंने कहा कि हेडिंग इंपॉर्टेंट COVID-19 ले लिया, तो पहला इंट्रोडक्शन तो आपका हेडिंग बनता है, दूसरा कि ये कहां से आया, आखिर इसके COVID-19 के लक्षण क्या हैं, साइन ऑफ COVID-19, द वे ऑफ सेफ्टी सुरक्षा के उपाय, और उसके बाद इसके मुख्य, इससे कौन कौन से लोग संक्रमित हो सकते हैं, और इसके क्या मास्क पहनना जरूरी है, तो मैं आपको अभी बता दूं कि मास्क उन्हीं के लिए जरूरी होता है जो व्यक्ति स्वस्थ है पूरी तरह से, ना उसे कोई खांसी है, ना सर्दी है, ना जुखाम है, उसको मास्क जरूरी नहीं है। उसको बचना है तो अपने आस पास के सर्दी जुखाम खांसी से पीड़ित व्यक्ति अगर उसके पास आता जाता है तो उसके उस समय आप मास्क का यूज करिए, ये जरूरी नहीं कि दिन भर मास्क पहने रहे, हवा में ये कोई, ये COVID-19 का वायरस हवा में नहीं है कि आपको उड़ के आके चिपक जाएगा और आपको संक्रमित कर देगा, तो आपका बचाव ही आपकी सुरक्षा है, क्योंकि अभी इसका टीका मौजूद नहीं है। लास्ट में आपको मैंने बोला कि कंक्लूजन, तो कंक्लूजन उपसंहार में आपको यही बताना है कि अब आप क्या कर सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है कि जब तक टीका आ नहीं जाता तब तक आपको स्वयं का बचाव करते रहना है, और जहां तक हो सके यदि आपके अंदर कोई ऐसे लक्षण हैं तो उससे अपना पहले उसकी दवा लीजिए, उससे अपना बचाव करिए, मास्क का यूज करिए, दूसरे लोग उस संक्रमित ना हो सके, ऐसा आप ध्यान में रखिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अब आपसे उम्मीद यही करता हूं कि अब ये इस तरीके से अगर आपने इससे को अगर समझा है लिखने का तरीका,
पहले अपने शब्दों पे जरूर ध्यान दीजिएगा, आसान शब्द और ग्रामेटिकल मिस्टेक से बचिएगा, ये भी ध्यान रहे। थोड़े मोड़े ग्रामेटिकल मिस्टेक हो चलेंगे, लेकिन ज्यादा आप करोगे सेंटेंस क्रिएशन आपका गलत होगा तो वास्तव में आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आज की ये वीडियो आपको, यदि आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे। और जिस भी बच्चे ने अभी शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यथाशीघ्र अभी के अभी वीडियो के नीचे रेड आइकन दिख रहा है सब्सक्राइबर का बटन, उसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना न भूले। तब तक के लिए गुड लक।